ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नरेला विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। जी हां, मौजूदा विधायक थे और मौजूदा प्रत्याशी थे शरद चौहान, जो कि 17,564 वोटों से उन्होंने नरेला विधानसभा में अपनी जीत दर्ज की है और इसे बड़ी जीत माना जा रहा है। लोगों का मानना भी यही है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये जीत उनके कामों को लेकर हुई। आइए, हमारे संवाददाता ने वहां पर जायजा लिया और जाना कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है। आइए जानते हैं नरेला विधानसभा का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज नरेला विधानसभा से बहुत बड़ी जीत हासिल की है शरद चौहान जी ने। आज बहुत सारा भीड़ आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है, आज लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी जीत हुई है सर? ये जीत हमारे साथ साथ विधायक जी के साथ साथ पूरी नरेला विधानसभा की जीत है, क्योंकि मैं पहले भी कहता था और अभी भी कहता हूँ कि शरद चौहान जी जैसा विधायक पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा और नरेला विधानसभा में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो शरद चौहान जी की बराबरी कर सके। जितना काम शरद चौहान जी ने नरेला के लिए करा है उतना कोई काम अपने लिए नहीं कर सकता। करप्शन है देश में, नरेला विधानसभा के हर नेता करप्ट है, हर कोई करप्शन को बढ़ावा देता है, पर शरद चौहान इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने करप्शन नहीं करके जनता के लिए काम किया। बड़ी जीत मिली है शरद चौहान जी को, क्या कहना चाहिए? काम के उस पर मिली है जी, शरद चौहान जी ने काम कराया है, नर्म है और काम करने वाला आदमी है। ये भ्रष्ट नहीं है, जो कि दूसरे जितने भी नेता थे वह सारे भ्रष्ट थे, कोई लेंटरमैन था कोई ऊषा था, लेकिन इन्हें कभी भी किसी का काम नहीं रोका और लेकिन कभी भी इसने आज तक भ्रष्टाचार में लिप्त ना आया। एक ईमानदार आदमी थे शरद चौहान जी, पे उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, कोई आरोप नहीं था, सब आरोप झूठे थे, सब बीजेपी वालों की एक साजिश थी, वो जो आज फैल हो चुकी है साजिश, जनता सब कुछ जानती है और ये लेंटरमैन का नाम दिया गया उनको और जनता सब कुछ जानती है। और ये विकास पर वोट मिली है हमारे को, दिल्ली में बहुत काम हुआ है। शरद चौहान जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्होंने 1200 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के अंदर वो लेकर के आए हैं, इतना विकास उन्होंने किया है, उसके बावजूद 5-10% जहाँ अगर कहीं बचा है तो अभी हमें दोबारा 5 साल फिर हमें मिले हैं। इसके बाद उनको कोई शिकायत किसी प्रकार का एक भी व्यक्ति को शिकायत का मौका वो नहीं देंगे। इस 5 साल में सबकी शिकायत वो दूर कर देंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अरविंद देखो दिल्ली के हक लड़कर।